उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से सड़क बन रही है, लेकिन इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करने के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप ग्रामीणों ने खुलकर लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों के विरोध के साथ क्षेत्र की विधायक मीना सिंह भी अपना विरोध दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 3,75,00,000 रुपए की लागत से ग्राम सरसवाही से ददरौड़ी के बीच डामरीकृत सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसमें विभाग के इंजीनियर और निर्माण कार्य एजेंसी के जिम्मेदारों के द्वारा मनमाने तरीके से काम कराया जा रहा है। बता दें कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान बन रही पुलिया में अनदेखी कर गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीणों सहित क्षेत्र की विधायक मीना सिंह ने करते हुए सही निर्माण कार्य कराने की बात कही है। ग्रामीणों ने बताया कि करोड़ों रुपए से बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का ठेका भाजपा नेता अन्नू सिंह ने लिया है। इस पूरे मामले में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि निर्माण एजेंसी के द्वारा पुलिया निर्माण के दौरान डायवर्जन नहीं बनाया गया, इससे पुलिया में डाले गए सीमेंट के ह्यूम पाइप अभी से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसका निरीक्षण विधायक मीना सिंह ने भी किया है। संबंध में अधिकारियों ने निर्माण कार्य में सुधार करने के निर्देश एजेंसी को दिए हैं। बहरहाल करोड़ों रुपए के इस निर्माण कार्य में आगे गुणवत्ता को लेकर क्या कदम उठाया जाता है, ये आगे ही स्पष्ट होगा। रोड तो देखने के अनुसार में सही नहीं आ रही है। हम जिस हिसाब से काम होना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे जो ये मान लो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है तो वो तो यानी साल दो साल के लिए नहीं, वो तो एकदम जमाना के लिए फिक्स कर दी कि हाँ भैया रोड ये चीज़ कंप्लीट होना चाहिए और बढ़िया काम होना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से देखा जा रहा है, देख रहे हैं कि घोलों में ना कंक्रीट वगैरह ना कुछ है, ऐसा जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से तो नहीं हो रहा। तो मेरे समझ में तो भाई मैं इसको अच्छा नहीं बोलूँगा, भाई मेरे गाँव का है, मेरे गाँव से चलना है ये सब है, मेरे आने वाले भविष्य में ये जो बच्चे हैं स्कूल जाते जाते हैं, नंदौड़ी के लोग भी हैं, कुड़ार भरता इधर से सब आना जाना इनका होता है। तो मान लो जैसे बरसात में परेशानियां आ जाती हैं, अभी भी परेशानियां काफ़ी बच्चे लोग झेल चुके हैं। रोड तो बहुत गंदा बन रहा है और जिस ठेकेदार ने भी बनाने की कोशिश की है तो पूरा पूरा का पूरा जितनी भी पुलिया बनी है आप देख लीजिए जा करके, किसी में एक भी कंक्रीट नहीं है। जितने भी ढोला डले हैं बगैर कंक्रीट के डाल दिया गया, डायवर्सन तक नहीं बनाया। जबकि ये पुलिया बनती है तो डायवर्सन पहले होता है, इसके बाद फिर पुल बनता है। डायरेक्टली ढोला डाल करके बना दिया गया है और भौंसा टाइप का मचा के रखे, मतलब जल्दी निपटाओ चलो। पानी कैसे, कुछ जगह पर जो पाइप पड़े हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि लेवल में नहीं है, पानी कैसे निकलेगा? लगता है कि पूरा जाम कर दिया जाएगा, फिर जब पानी नहीं निकलेगा तो काहे की बोलिया, यह पोजीशन चल रही है और कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला है। क्या पुलिया सही जगह पर बन रही है? अब ये तो मेरे को जानकारी नहीं, अधिकारी ही बताएगा कि सही बन रही है गलत बन रही है। इसमें पर पुलिया गलत बन रही है ये बात रही सरपंच की मिली भगत है क्या है? नहीं, मैंने सुना है ऐसा कि सरपंच जो है तो हमारे जो क्षेत्रीय मजगामा के सरपंच है उनने भी खड़ा होकर इसको डलवाया और हमने जब जानकारी मांगी तो इनने कह दिया कि भाई ये हमको जानकारी नहीं थी कि कैसे काम होता है। आप लोग को 20 साल से इस रोड की और पुलिया की डिमांड चल रही है, 20 साल से बरियाते किसी तरह से ये पास हुआ है ये काम, तो ये कितने दिन चलेगा आप ही बताइए ऐसी पोजीशन पे। भाई ठेकेदार आए काम करे अपना लिए चल दिए, भाई चलना तो हमको है, रोजमर्रा का काम तो हमको है, समस्याएं तो हमारी हैं। सुनिए, ठेकेदार भाजपा के नेता है? ये तो मैं भी सुना हूँ कि भाजपा के नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, दादा अन्नू सिंह कहते हैं उनको, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। जी 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 जी। पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत 376 का वो शासकीय स्वीकृति है मझगांव से कुड़ार रोड, उसमें अन्नू सिंह ठेकेदार है, वो काम करना है। कल मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, साथ में बीच पीछे से फिर विधायक मैम भी मीना सिंह जी भी आई थी, दोनों हम लोग ज्वाइंट विजिट किए। उसमें दोनों तरफ जो है कृषकों की खेत है, उसमें डायवर्सन दे ली रहे थे तो उनने जो है अभी रोड को चालू करने के लिए मोटरेबल करने के लिए उनने पाइप को ऐसे गड़ा दिया है, परंतु उसमें अभी पाइप जो है पुलिया का काम अभी हुआ नहीं है, और फिर से पाइप को पुनः जो है निकाल करके फिर लेन खरीदो और पुलिया बनाया। उसमें कई जगह जो है उसने पाइप डाला है, वो फेस वाल उठा तो दिया है, लेकिन वो गलत है काम, उसको मैंने ठेकेदार को निर्देश दे दिया है कि उसको तोड़ना है और तोड़ के पुनः स्पेसिफाइड और निर्धारित मापदंड अनुसार आपको काम करना है, और उनने एक्सेप्ट किया है और मैं ऑफिस में आकर जो है उनको चिट्ठी भी जारी कर दी है मैंने, और उनको तब वो काम करेंगे। अभी कार्य प्रगति पर है,
कोई भी कमी होगी वो तत्काल सुधार लिया जाएगा। बीच में फिर उनके सुपरवाइजर के द्वारा कुछ गलती तो करी है जो मैंने समझाइश दी है। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।